आप शादी क्यों नहीं कर लेती? कोई ऐसा हो जो मुझे मेरे बच्चों को संभाले, मतलब हाँ जिम्मेदारी उठाए तो फिर ही है ना। तो कर लेगी शादी। हाँ मैं जिम्मेदारी उठाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अब खैर वफियत से होंगे। आज मेरे साथ एक बेवा नौजवान बहन सहबा मौजूद है, दो इनके मासूम बच्चे हैं और इनके शोहर का इंतकाल हो गया है। पहले जॉब भी करती रही हैं बहन साहबा, लेकिन अब जॉब भी छोड़ चुकी हैं बच्चों की परवरिश और तरबियत की वजह से। तो अब घर में होती हैं, बेबस मजबूर हैं। इन्होंने हाथ में भी 3 बिजली के बिल भी उठाए हुए हैं। अभी इनको अल्लाह ताला की तरफ से ये राशन भी दे रहे हैं। जो तो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं उनका मैं मशकूर हूँ। शहबाज अहमद साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। हमारे स्पेन में शहबाज अहमद साहब आशिक रसूल हैं माशाल्लाह। मेरे से सिर्फ वो ही एक डोनर मेरे साथ जुड़े हुए थे, तो बस उन्हीं की वजह से ये मुमकिन हो पाया और उनके लिए मैं हर वक्त खसूसी दुआ करता रहूंगा। बहन से पर थोड़ी सी आगे आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक अच्छा मेरी बहन, कैसे मिजाज हैं आपके? अच्छा थोड़ा सा ऊंचा बोले, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही तो नाज़रीन को कैसे सुनाई देगी? ठीक अच्छा मुझे बताएं, कौन कौन सी ऐसी मजबूरियां और परेशानियां हैं जिनकी वजह से आपको स्क्रीन पे आना पड़ रहा है? वही सबसे पहले कि मेरे हस्बैंड बहुत हो गए इंतकाल हो गया, फिर आपको पता है जरूरी राशन बिल हर चीज है। पहले जॉब करती थी लेकिन अब जॉब नहीं है, तो मेरी 3 माह हो गए हैं, ये भी जमा नहीं करवाया बेटी का। तो अच्छा फिर आपको पता है रमजान है, ईद है, जरूरत है बच्चों को हर बिल्कुल। चीज की, तो कहाँ से करना है क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा। जी, 3 माह के बिजली के बिल है, ठीक है जी। अगर इस दफा इन्होंने बिजली का बिल अदा ना किया, इन 3 महीनों का 3 मरतबा अगर बिल अदा ना किया जाए किसी भी मजबूरी की वजह से, ये पाकिस्तान है, ये हमारा मुआशरा है, तो फिर यहाँ पे ऊपर से ऑर्डर होते हैं कि चाहे आगे गरीब है कोई भी है उसके घर में जाके बिजली की तारें काट दो। ये हालात है नजम, ये मेरी बहन आप पकड़े। घर का किराया कितना दे रही हैं आप? 8,000 8,000। तो वो 8,000 कैसे अदा? नहीं है। जी नजर जी, आप बहन की दास्तान सुन रहे हैं। घर का रेंट भी पे करना है और ये बिलों की अदायगी भी करनी है, तो बहन साहब बहुत परेशान है। चलिए राशन तो हो गया है, अब आगे जो इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, घर के हालात बड़े खराब हैं, अब आगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन आप जैसे जो नेक लोग हैं, अपने चैनल के तवस्सुल से ये पैगाम दे रहा हूँ कि प्लीज इस बहन की परेशानियों को हल करें। और आप शादी क्यों नहीं कर लेती? कोई ऐसा हो जो मुझे मेरे बच्चों को संभाले, मतलब जिम्मेदारी उठाए तो फिर ही है ना। तो कर लेगी शादी। हाँ अगर कोई जिम्मेदारी उठाए तो अच्छा उम्र कितनी है आपकी? कैसा। अच्छा अभी तो माशाल्लाह हरी भरी जवानी में है, अल्लाह ताला आपकी इज्जत की हिफाजत फरमाए। ये दास्तान है बहन की, तो ऐसी बहनें मेरे दफ्तर में मेरे घर 4, 5, 8, 10 आ जाती हैं रूटीन के मुताबिक। लेकिन जिनको राशन की जरूरत होती है हम उन्हें राशन देते हैं, जिनको मेडिसिन की जरूरत होती है हम उन्हें मेडिसिन लेके देते हैं, जिनको घर के रेंट की वजह से परेशानियां होती हैं उनका घर का रेंट भी पे करते हैं। लेकिन अब अकेला बंदा कितना कुछ कर सकता है? अकेला फिर अकेला ही होता है। तो फिर प्लीज आप जैसे मुखय्यर हजरात से तावन की अपील है कि इस बहन साहबा की इन मजबूरियों को और परेशानियों को हल किया जाए, और देखने वाले बहन भाइयों से क्या मदद के लिए अपील करेंगे? यही थोड़ा सी लोग मतलब जितना हो सके उतना ही अदा कर दें ताकि मेरा भी सर्विस बिल रेंट वगैरह से कवर हो। नहीं आपके रिश्तेदार में मदद कर सकते रिश्तेदार बातें करते हैं मदद कौन करे। हैं? ये नजर आपने बहन की दुख भरी दास्तान सुनी है। आप लोग हमारे साथ रब्ता करें, स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है, 03-45-00-99-253।
माजिद अली हैदरी के नाम से व्हाट्सएप है, इस पे रब्ता करें तो मेरे साथ जुड़े, क्योंकि ये इंसानियत के लिए, फलाह के लिए मैं काम कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आप सबको जजाए खैर अता, अपना ख्याल रखिए, फी अमानत।